इंग्लिश फर्स्ट फॉर स्टैंडर्ड सेकेंड। सो स्टूडेंट, आपका मैं आज आपको क्लासरूम में द टेल ऑफ 12 मंथ, आपको 12 मंथ की टेल यानी 12 मंथ की स्टोरी जो पोइम है इसमें यहाँ पर आपको 12 मंथ की पोइम में करवाने जा रही हूँ। जैसे ये लुक एट दिस, यहाँ पर दिया गया है जो कम्प्लीट द पोइम, जो आपको बीच बीच में डैश दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स करना है यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर आपको वो वर्ड्स सुटेबल वर्ड्स यहाँ पर फिल करने हैं जो इनके साथ सुटेबल फिट हो रहे हैं। ओके, सो ये पोइम है, 12 मंथ की पोइम है। ओके, सो सबसे पहले आती है जनवरी। जनवरी ब्रिंग्स द, जनवरी क्या लेकर आती है, जनवरी में कितनी सर्दी होती है ना, सबसे ज्यादा सर्दी होती है, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी ब्रिंग्स द विंटर एंड स्नो मेक्स अवर फीट एंड फिंगर्स ग्लो। ओके, अब जैसे जनवरी जो आती है, जनवरी ब्रिंग्स द विंटर, जनवरी सर्दी एंड स्नो, स्नो मीन्स बर्फ लेकर आती है। ओके, जनवरी में आपने देखा होगा कितना सारा एकदम बहुत ज्यादा सर्दी होती है और कोहरा होता, बर्फ भी गिरती है हल्की सी, एंड मेक्स अवर फीट और हमारे जो पैर एंड फिंगर्स होती है वो ग्लो करते हैं, चमकने लगते हैं सर्दी की वजह से, वो ग्लो करते हैं। ओके, एंड जनवरी बाद क्या आता है, फरवरी मार्च। ओके, एफ ई पी आर यू ए आर वाई ब्रिंग्स रोजेस फीट स्कैटर फ्लो एज, अगर लिखेंगे मार्च, फरवरी मार्च ब्रिंग्स रोजेस फीट स्कैटर फ्लावर्स एट अवर फीट। ओके, तो जो फ्लावर्स होते हैं जनवरी, जो फरवरी मार्च आती है स्प्रिंग सीजन लेकर आती है ना, तो वहां पर जो रोज होते हैं वो बहुत ज्यादा बहुत स्वीट लगते हैं, एंड फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं हमें, एंड इसके अंत में अप्रैल मई ब्रिंग्स सीड्स ऑफ कॉर्न, अप्रैल मई लाते हैं कॉर्न। आपने देखा होगा अप्रैल मई में हम लोग भुट्टे खाना शुरू कर देते हैं, मक्का के जो होते हैं, देन द हार्वेस्ट होम एच ई आर वी ई एस टी हार्वेस्ट होम इज बॉर्न, एंड उसके बाद हर घर में एक हार्वेस्ट होम हो जाता है, मतलब हर घर में भुट्टे का ही सीजन रहता है, सब लोग भुट्टा खाना शुरू कर देते हैं, राइट। एंड आगे आएगा अप्रैल मई, फिर क्या आएगा जून जुलाई, जून की हॉट एंड सैंडी, तो कौन सा मंथ होता है जिसमें वेदर हमारा बहुत गर्म रहता है एंड बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, चिल्ड्रन लव टू लिक आइस कैंडी, और बच्चों को आइसक्रीम एंड कैंडीज एंड ठंडी चीजें पसंद रहती है, तो वो होता है जून जुलाई, ये टू मंथ होते हैं जो जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। ओके, जून जुलाई में बहुत गर्मी लगती है ना आप लोगों को, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, एंड आगे और भी है, मैं और भी आपको करवाने जा रही हूँ। देखिए है अगस्त सितंबर ब्रिंग्स फ्रूट, अगस्त सितंबर जो होते हैं वो फ्रूट्स लेकर आते हैं, स्पोर्ट्समैन बिगिन टू शूट, एंड जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो उन फ्रूट्स को शूट करना शुरू कर देते हैं, यानी निशाना लगाना शुरू कर देते हैं। अक्टूबर नवंबर ब्रिंग्स देयर ब्लास्ट, अक्टूबर नवंबर जो होते हैं ब्लास्ट यानी धमाके लेकर आते हैं, देन द लीव्स आर रोलिंग फास्ट और पत्तियां जो होती है वो झड़ना शुरू कर देती है। कोल्ड डिसंबर ब्रिंग्स द स्लीप, एंड जो डिसंबर होता है ठंडा डिसंबर, ये स्लीप लेके आता है, ब्लेजिंग फायर जहां डिसंबर में आपने देखा जब सर्दी लगने लगती है तो आग जलना शुरू हो जाती है, क्रिसमस ट्री और हमें क्रिसमस डे भी उसमें पड़ता है, तो क्रिसमस डे को भी हम सेलिब्रेट करते हैं ट्री। मैंने पोएम जो आपकी है ये पूरी कंप्लीट करवा दी है मैंने, एंड इसको आपको लर्न करना है उम्मत से, क्योंकि ये 12 मंथ पोएम है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको इसको लर्न करना है एंड आपको ये होमवर्क में कंप्लीट करना है, होमवर्क नोट करो। इसमें क्या करना है, इसमें जो पिक्चर दी गई है उनको पहचान के लिखना है, जैसे येलो एंड रेड स्मॉल एंड राउंड, छोटा और राउंड क्या होता है, हल्का सा पीला होता है, हल्का सा लाल होता है, वो होता है एप्पल। ओके, एंड गोल्डन येलो और एकदम से सुनहरा वाला पीला स्मूथ स्किन, और उसकी स्किन जो होती है वो बहुत स्मूथ एंड चिकनी होती है, लार्ज एक बड़ा सा बीज होता है वो क्या होता है मैंगो, एंड ग्रीन एंड येलो ओवल रफ स्किन, एंड ये ग्रीन होता है और बहुत ग्रीन होता है और येलो भी होता है, और इसकी स्किन जो होती है रफ होती है नहीं खुरदरी होती है, और ओवल शेप में होता है, ओवल शेप मतलब जैसे राउंड ना एकदम से गोल ना हो, ओवल हो, ओवल की शेप इस तरह से होती है, तो वो क्या होता है पाइन एप्पल। ओके, सो आपको बस यहाँ पर नेम लिखने हैं, डिस्क्रिप्शन करना है, ये होमवर्क कम्प्लीट करना है, लर्न योर पोएम। ओके, थैंक यू।